In this video, we will learn about socialization. Let me tell you about the structure or the pattern of this video. Firstly, we will define about socialization, and then we will discuss about goal of the socialization, and then what are the levels of socialization, and in the last, we will attempt MCQs, which would be very beneficial for you if you are preparing for SWAT, PGMSW or UGC NET examination. Okay, so let's start. So firstly, we will understand what is socialization and how it is impact an individual or shape an individual. Okay, so let me show you a picture. This is the picture. This picture shows that there are four major agents like family, the peer group, and the school, educational institution as well, and then media. These are the four major agents or agencies. They are influencing or they are shaping the behavior of individual. Okay, let me tell you the definition of the socialization. Socialization refers to the lifelong process. Okay, it's not limited to the particular set of the age. It is a lifelong process of learning and internalizing the norms, values and beliefs and custom of a given society or a culture. इंटरनलाइजिंग करना है, लर्निंग करना है, किसको जो बेसिक नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, किसी भी सोसाइटी के कस्टम्स हैं, उनको क्या करना है, उनको सिखाता है, उनको इंटरनलाइज लर्निंग कराता है, है ना, इंटरनलाइजिंग भी कराता है, लर्निंग भी कराता है, तो क्या उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सोशलाइजेशन. वो कोई पर्टिकुलर कस्टम ऑफ गिवन सोसाइटी का हो सकता है और कल्चर का हो सकता है. इट अकर्स थ्रू द वेरियस एजेंसीज दैट शेप्स इंडिविजुअल्स बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी. इसके जो है ये किसी कई प्रकार से हो सकता है, कई सारे एजेंसीज हैं. इसमें एजेंसीज होता है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे, या स्कूल है, कॉलेज है, वो सब हमारे एक एजुकेशनल एजेंसी होगी, और एक एजेंसी होगी. बी एजेंसी की बात करें तो वो मीडिया, और थर्ड की बात करें तो वो पीयर ग्रुप, और फोर्थ की बात करें तो वो फैमिली. इस तरीके से इन सभी को क्या कहा गया है, एजेंसीज कहा गया है ना. ये सोशलाइजेशन की एजेंसीज हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्या कर रहे हैं, कि इंडिविजुअल के बिहेवियर को शेप कर रहे हैं और उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हैं. ये एजेंसीज इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सोशलाइजेशन. ओके, द प्राइमरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन इंक्लूड, जो प्राइमरी सोशलाइजेशन के जो एजेंट हैं वो कौन कौन हैं, फैमिली है ऑफकोर्स, स्कूल्स हैं, पीयर ग्रुप है, जो हमारा पीयर्स हैं, हमारा जो फ्रेंड्स हैं, या फिर हमारे कलीग्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, लोग जो हमारे कजिन हैं, वो सब हम पीयर ग्रुप में आएंगे, है ना. उसके बाद मास मीडिया है और रिलीजन है. ये सब क्या कर रहे हैं, ये है प्राइमरी एजेंट हैं सोशलाइजेशन के, और ये सब क्या कर रहे हैं कि इंडिविजुअल को उसको सोशलाइज करा रहे हैं, उसको सोशलाइजेशन कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर सोसाइटी के कल्चर को, पर्टिकुलर सोसाइटी के मॉडस ऑफ ऑपरेंडी को वो समझ सके, रियलाइज कर सके और उसका पार्ट बन सके, है ना. अगर इस तरीके की, अगर किसी की लाइफ में फैमिली मिसिंग है, तो उसका देखेंगे कि वो उसकी पर्सनैलिटी और उसका इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होगा, है ना. फैमिली की पॉइंट ऑफ व्यू से, जो फैमिली की तरफ से मिलने वाला सपोर्ट है, लव है, और जो प्रोटेक्शन है उसको मिलने वाली, उसको अगर नहीं मिली है लाइफ में, तो उसका इम्पैक्ट होगा उसकी लाइफ में. अगर स्कूल वो कभी नहीं गया है, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं गया है पढ़ने के लिए या फिर कुछ, तो उसका भी उसकी लाइफ पर इम्पैक्ट होगा, उसकी लाइफ में इम्पैक्ट हमें दिखेगा. ये पीयर ग्रुप उसका ऐसा है कि फॉर एग्जांपल अगर वो किसी ऐसे पीयर ग्रुप में है जो कि एडिक्टेड है किसी ड्रग्स के, तो उनका उसका भी उसके ऊपर असर दिखेगा. मास मीडिया के अंदर ये न्यूज चैनल भी हैं, साथ ही जो हमारा जिम सिनेमा है, वो सॉन्ग्स हैं, वो सब मास मीडिया के अंदर ही आते हैं. तो उन सब का भी एक इंडिविजुअल के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है, और प्लस में रिलीजन. तो रिलीजन ये सब मिलकर क्या है, ये सारे अलग अलग एजेंसी हैं, अलग अलग एजेंट्स हैं, जो कि एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को शेप देती हैं और उसकी पर्सनैलिटी को तैयार करते हैं, है ना. तो आप, आई होप कि सोशलाइजेशन के जो मेजर एजेंसीज आप उनको समझे, और जो उसके जो काम एजेंट है उनको समझे, और उसका प्रोसेस है, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है, हम उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, है ना. सोशलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल्स क्या है. और एक चीज और, सोशलाइजेशन जो है कैन नॉट टेक प्लेस इन आइसोलेशन. सोशलाइजेशन क्या है, वो सोशलाइजेशन आइसोलेशन में क्या, आइसोलेशन में नहीं हो सकती. कैन नॉट टेक प्लेस इन आइसोलेशन. अगर कोई इंडिविजुअल को हम, अगर सपोज करो पैदा होने के बाद या 2-4 साल के बाद ही जो चलना फिरना सीख गया, फॉर एग्जांपल वो चलना सीख गया, अगर उसको हम किसी जंगल में, किसी गुफा में, किसी और स्पीसीज के साथ वो रहने लगा, तो उसका सोचने का तरीका, उसका काम करने का तरीका, उसका सब कुछ उसी तरीके से होगा जिस सराउंडिंग्स में वो रहा है
है ना। इस तरीके की हमारे पास न्यूज़ भी हैं कि कोई पर्टिकुलर बच्चा किसी एक किसी ग्रुप में था, किसी भेड़िया की भेड़िया के ग्रुप में था, तो वो बच्चा हमेशा से भेड़िए की तरह वो करता था, वो जो वोल्फ करते हैं ना रात को वो करके आवाज करते हैं वो करता था, और शायद हाउलिंग जिसको बोलते हाउलिंग करता था, और चलने का तरीका भी उसका उनकी तरीके से हो गया था, क्योंकि उसका सोशलाइजेशन पूरा कंप्लीट ही उस एनवायरनमेंट में हुआ है, उसको जो एक सोसाइटी के जो एजेंट हैं उनके साथ उसका इंटरेक्शन नहीं रहा, इसलिए उसका सोशलाइजेशन उस तरीके से हो गया जो कि वोल्फ का और जो भेड़िया के सराउंडिंग्स में जो वो रहा है उसके जैसा उसका सोशलाइजेशन हो गया, तो वो उसी तरीके से एक्ट कर रहा है, बिहेव कर रहा है, उसकी उसी तरीके की पर्सनैलिटी बन गई है ना, उसके बिहेवियर को उसी तरीके से शेप कर दिया गया उन सराउंडिंग्स ने, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप इंस्टीट्यूशन क्रिएट सोशल इन्वायरमेंट फॉर सोशलाइजेशन टू टेक प्लेस, है ना। तो सोशल जो इंस्टीट्यूशन है वो काम करते हैं सोशल इन्वायरमेंट फॉर सोशलाइजेशन टू टेक प्लेस, आगे सोशलाइजेशन अच्छे से हो सके उसके लिए ऐसा सोशल इन्वायरमेंट जो एक इंडिविजुअल ग्रुप जो इंस्टीट्यूशन तैयार करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। ये आप समझे, अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसके बारे में गोल गोल ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में, गोल क्या है सोशलाइजेशन के, हम क्यों करना चाहते हैं सोशलाइज, क्यों हम लोगों को स्कूल भेजना चाहते हैं, क्यों हम स्कूल लोगों को रिलीजियस टीचिंग देना चाहते हैं, क्यों हम लोगों को मास मीडिया दिखाते हैं या देखते हैं, वो सब क्यों, उसके पीछे कुछ गोल हैं। गोल क्या है, वो ये गोल है टू इंस्टिल एस्पिरेशंस, उसके अंदर जो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को हम जो शेप कर रहे हैं, शेप दे रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी को शेप दे रहे हैं, हम उसमें एक एस्पिरेशन लाए, वो एस्पिरेशन जो कि समाज में एस्पिरेशन है, जो समाज चाहता है कि लोग इस तरीके से काम करें। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि हमारे स्कूल ने, हमारी फैमिली ने, मास मीडिया ने, है ना, सभी ने किसकी बात की, मान के चलो हमें बनाया गया सबको आईपीएस बनना है, सबको आईएएस बनना है, इसके लिए हमें इंस्पिरेशन दी जा रही है अलग अलग मीन से, अलग अलग एजेंट्स की जो है सोसाइटी में, जो बताया मैंने सोशलाइजेशन के एजेंट है, वो सब हमें प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपको क्या बनना है, आईपीएस बनना है, आपको आईएएस बनना है, आपको डीएम बनना है, या फिर आपको एमएलए बनना है, वो सब आपको क्या कर रहे हैं, इंस्टिल्स एस्पिरेशंस दे रहे हैं। तो एस्पिरेशन देना भी इनका गोल है, एजेंट का, फैमिली का, फैमिली का और आपके पीयर ग्रुप का, आपका मास मीडिया का, इन सब का क्या है, ये आपके अंदर इंस्टिल करते हैं एस्पिरेशंस, है ना, आपके अंदर एस्पिरेशंस हो टुवर्ड्स सोसाइटी और टुवर्ड्स सेल्फ, वो कुछ भी हो सकता है ना। तो गोल भी सोशलाइजेशन का पहला गोल भी ये भी होता है, तो टू इंस्टिल इंस्पिरेशंस। सेकंड है टू टीच सोशल रोल्स, और आपको सिखा सकें कि सोशल रोल क्या है, आपके पर्टिकुलर एज में क्या रोल होंगे, आपको पर्टिकुलर टाइम पर किस जगह पर क्या एक्ट करना है, क्या रोल करना है, क्या बिहेव करना है, वो सब चीजें आपको यही सोशल एजेंसी जो है, सोशल एजेंट्स जो है वो आपको सिखाते हैं और बताते हैं, और आपको ये भी सिखाते हैं कि जो आपको कन्फर्मिटी जो नॉर्म्स हैं, जो पहले से नॉर्म्स बने हुए हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी में, वो आप उनको कन्फर्मिटी हो सके और आप उसको फॉलो करो, उसको ओबे करो, वो भी आपको इन एजेंसीज के थ्रू सिखाया जाता है ना। आपको रीएनफोर्समेंट हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अगर आप अच्छा करोगे तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा उसका, है ना। टू टीच कन्फर्मिटी टू नॉर्म्स, ये भी इसका गोल होता है सोशलाइजेशन का। और फोर्थ गोल की अगर हम बात करें तो वो है टू क्रिएट एक्सेप्टेबल एंड कंस्ट्रक्टिव पर्सनल आइडेंटिटीज, क्रिएट करना है एक्सेप्टेबल और कंस्ट्रक्टिव पर्सनल आइडेंटिटीज को, ये क्रिएट कर सकें जो ऐसे ऐसे आइडेंटिटी जो कि एक्सेप्टेबल हो, है ना, सोसाइटी के अंदर, ऐसे नहीं कि आपका बिहेवियर बिल्कुल अलग हो गया या फिर आप बिल्कुल लोगों के खिलाफ ही चले गए, तो ऐसा नहीं जाने देंगे, ताकि आपको ऐसा सोशलाइजेशन कराएंगे ताकि आपको उन सब में जो नॉर्म्स हैं, जो कल्चर है, जो ट्रेडिशंस हैं, जो कस्टम्स हैं, जो अभी तक होता आ रहा है, चलते आ रहा है, उसी को आप फॉलो करो और आप उसकी अपनी अपने खुद को उसी तरीके से ढाल के रखो, है ना। तो वो सब भी क्या करते हैं, ये सब का क्या है, गोल है किसके, सोशलाइजेशन के। उसके बाद हम बात करेंगे अब लेवल ऑफ सोशलाइजेशन। अब लेवल क्या होंगे, लेवल होंगे मेजरली तीन, मेजरली तीन लेवल होंगे, पहला होगा माइक्रो लेवल, दूसरा होगा मेसो लेवल और थर्ड होगा मैक्रो लेवल। माइक्रो लेवल के जो एजेंसीज हैं वो कौन हो है, फैमिली है, आपका पीयर ग्रुप है और आपका नेबरहुड है। आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था, फैमिली भी मैंने आपको पढ़ाया है, नेबरहुड भी मैंने पढ़ाया है, कम्युनिटी भी पढ़ाया है, सोसाइटी भी पढ़ाया है, ये सब मैंने टॉपिक्स, कल्चर भी पढ़ाई, ये सब मैंने टॉपिक कवर कर चुका हूँ। अब हम जो आज जो हम कवर कर रहे हैं सोशलाइजेशन हम कवर कर रहे हैं ना, उसके बाद ट्रेडिशन है वो उसको भी कवर करूंगा, और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट आपकी यूनिट वन जो है कम्प्लीट हो जाएगी। लेकिन एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं कस्टम्स के बारे में, वैल्यूज के बारे में, बिलीव्स के बारे में, टोटल तीन चार जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में आपको अच्छे से समझा दूंगा, ताकि आपका जो यूनिट वन कम्प्लीट हो जाए। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं लेवल ऑफ सोशलाइजेशन की। तो लेवल ऑफ सोशलाइजेशन में क्या है, माइक्रो, मीजो और मैक्रो। तो माइक्रो लेवल के कौन है, हमारे फैमिली है,
पीयर ग्रुप है और नेबरहुड है, ये हमारे क्या है माइक्रो लेवल के। मीजो लेवल पर कौन बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हमारे स्कूल हैं, स्कूल कह सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या कॉलेज हो सकता है ना, वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मीजो लेवल में रख सकते हैं। दूसरा है हमारा रिलीजन, रिलीजन बहुत हद तक आपके बिहेवियर को शार्प शेप देता है, आपकी पर्सनैलिटी को शेप देता है ना, तो रिलीजन का भी बहुत बड़ा रोल है आपके सोशलाइजेशन में। और सोशल क्लास, आपकी क्लास क्या है, आपकी आप हैव्स में है थे, या अगर मार्क्स के अकॉर्डिंग डिवीजन ऑफ क्लास करें तो आप हैव्स में हैं कि हैव्स नॉट में हैं, तो वो सोशलाइजेशन, वो सोशल क्लास भी आपको क्या करती है, सोशलाइजेशन करती है, आपको बताती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, या आपके लिए फेवरेबल है या आपके लिए फेवरेबल नहीं है, या आप ऐसा कर सकते हैं वैसा नहीं कर सकते हैं, या आपके लिमिटेशन लगा देंगे कि आप इतना ही कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें भी कौन होते हैं, सोशल क्लास जो हैं वो इस तरीके का सोशलाइजेशन करती हैं, इस तरीके के रोल प्ले करती हैं। और मैक्रो लेवल पर है हमारे ग्लोबल कम्युनिटी, है ना, ग्लोबल कम्युनिटी, जैसे अब इंटरनेट भी आ गया है तो अब आज हमारा इंडिया में भी और अदर कंट्रीज में भी हर जगह पर हमारे फ्रेंड्स हैं या फिर हमारे कनेक्शंस हैं लोगों के साथ जुड़े हुए, जिनसे हम रेगुलर बात करते हैं, जिससे हम जान रहे हैं कि देश विदेश में क्या चल रहा है, क्या लोगों का वे ऑफ थिंकिंग है, वे ऑफ डूइंग है, व्हाट दे आर बिहेव, व्हाट दे थिंक, है ना, हाउ दे डू द थिंग्स, इस तरीके की चीज़ें जो हम जान रहे हैं। और ग्लोबल कम्युनिटी में बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, लाइक UNO है, IMF है, WB है, ये सब क्या है इन्फ्लुएंस कर रही है लोगों को, बिहेवियर को, कैपिटलिज्म को प्रमोट भी करना, वो सब भी क्या है सोशलाइजेशन का पार्ट है, माइक्रो लेवल पर जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो वर्क कर रही है ना। साथ ही मास मीडिया भी आपका माइक्रो के मैक्रो के अंदर आता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ी चीज़ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक आपकी फिल्में देखना, आपका चाहे न्यूज़पेपर हो या आपका न्यूज़ टीवी हो, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीन से थ्रू चीज़ें आपके तक पहुँच रही हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है, हर इन्फॉर्मेशन आपके ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालती है ना, तो वो सब भी क्या है सोशलाइजेशन का पार्ट हो जाता है। तो मास मीडिया किस में आता है, मैक्रो लेवल में। और उसके बाद है सोशल नेटवर्किंग, जैसे मैंने अभी बात किया फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जहाँ पर आप अपना एंटरटेनमेंट भी करते हैं, आप एजुकेशन भी लेते हैं, और आप जो है अदर अदर थिंग्स, रिलेशन बिल्ड करते हैं, सब तरीके के काम आप जो है वहाँ पर करते हैं, वो भी आपको जो उस पर आने वाला कंटेंट, उस पर आने वाली चीज़ें, उस पर जो भी अपलोड हो रहा है, आप जिस तरीके की चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन वो कर रहा है। जैसे मैंने बताया था कि सोशलाइजेशन में लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ऐसा नहीं पर्टिकुलर सेट ऑफ एज तक होगा, हाँ हो सकता है कुछ एज पर आकर आप रैशनल हो जाओ, बहुत जल्दी से चीज़ों को चेंज करना ना चाहो, बट ये है कि लाइफ लॉन्ग ये होता रहता है ना, तो सोशल नेटवर्किंग भी इसका एक पार्ट है, लेकिन वो मैक्रो लेवल पर। तो मैंने हमने क्या बात की, डेफिनेशन की बात की, हमने गोल की बात की, सोशलाइजेशन के लेवल्स की बात की, अब हम देखते हैं MCQ। MCQ है यहाँ पर, मैंने MCQs आपके लिए लगाए हैं ताकि आप इसका आंसर अच्छे से दे पाएं, जब भी आप एग्जाम के लिए जाएं तो सोशलाइजेशन पर अगर सवाल बनता है तो अगर आपने ये अटेम्प्ट कर लिए तो उसके बाहर आपको मुश्किल ही है, तो आप उसका आंसर ना कर पाओ, आप उसका आंसर कर जाएंगे, बहुत ही मुश्किल है, अगर आपने सारे अटेम्प्ट किए, अपने मन को समझा, कंसेप्ट को समझा, तो आप सोशलाइजेशन पर अगर कोई भी सवाल बनता है तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं पहले MCQs की। पहला MCQ क्या है, पहला MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन का एजेंट कौन नहीं है। अब पहला पूछा ऑप्शन है ए, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी पीयर्स ग्रुप, ऑप्शन डी गवर्नमेंट। अब इसमें पूछा है सोशलाइजेशन का एजेंट कौन नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो आई होप कि इसका आंसर आप कर चुके होंगे अब तक कमेंट बॉक्स में, आप दिमाग में आपने सोच लिया होगा, तो इसका आंसर होगा डी, है ना। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन। अब प्राइमरी सोशलाइजेशन का क्या पूछा है, एग्जाम्पल पूछा है, ठीक है। अब प्राइमरी पूछे हैं तो प्राइमरी का एग्जाम्पल का हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार, है ना, लर्निंग किसकी, हाउ टू ड्राइव अ कार, ये क्या है प्राइमरी सोशलाइजेशन का पार्ट है। सेकंड देखते हैं अटेंडिंग यूनिवर्सिटी, थर्ड क्या कहता है लर्निंग टू स्पीक योर नेटिव लैंग्वेज, सी ऑप्शन डी क्या कहता है ज्वाइनिंग अ स्पोर्ट टीम, स्पोर्ट टीम को क्या करना ज्वाइन करना, ये किसका पार्ट है प्राइमरी सोशलाइजेशन का। तो आप इसमें बताओ किसमें प्राइमरी सोशलाइजेशन का पहला आंसर इसका वो क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा सी लर्निंग टू स्पीक योर नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज आपको जो फैमिली के द्वारा आपको सिखाया जाएगा वो सबसे पहले आपको लैंग्वेज ही सिखाएंगे, बाद में आपको गाड़ी चलाना सिखाएंगे, बाद में आप यूनिवर्सिटी जाओगे या फिर बाद में आप कोई स्पोर्ट की टीम ज्वाइन करोगे, सबसे पहला लर्निंग जो प्राइमरी सोशलाइजेशन में आपका हो चुका होगा वो होगा सी लर्निंग टू स्पीक योर नेटिव लैंग्वेज, ओके। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सोशलाइजेशन, विच ऑफ द एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल्स
जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए इसमें क्रिटिकल रोल कौन प्ले करता है सोशलाइजेशन में, इस पूरे सोशलाइजेशन में क्रिटिकल रोल कौन प्ले करता है इंडिविजुअल का जेंडर आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए या फिर उसको रोल बताने के लिए। तो कौन है पहला ऑप्शन है फैमिली, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी रिलीजन, ऑप्शन डी सी पीयर ग्रुप, ऑप्शन डी रिलीजन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर ए क्यों होगा, ए इसलिए होगा कि सबसे पहले फैमिली ही आएगी, फैमिली के बाद ही आप स्कूल में जाओगे, फैमिली के अकॉर्डिंग फैमिली ही जेंडर रोल्स को बताती है ना कि आपके क्या है, सबसे पहले आप फैमिली में ही सीखोगे। बचपन में जब आपको खिलौने तक भी ला के दिए जाएंगे तो वो भी आपकी जेंडर के बिहाव पर ला के दिए जाएंगे। लाइक आप अगर आप गर्ल हो तो आपको ला के दिया जाएगा डॉल, अगर आप बॉय हो तो आपको दी जाएगी गन, आपको दी जाएगी कार, अगर लड़की हो तो आप उसको दिया जाएगा कुछ ऐसा खाना बनाना सीखने का कुछ आइटम। तो वो सब जो तरीके वो सब क्या है, वो सब क्या है, जेंडर को डिवाइड कर रहे हैं, जेंडर आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं इन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, तो इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसमें कौन होगा, द विच एजेंडर ऑफ द सोशलाइजेशन प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल जेंडर आइडेंटिटी, तो वो होगा ऑप्शन ए, जिसे आंसर फैमिली। ओके, ऑप्शन बी, विच ऑफ द फॉलोइंग Which agent of socialization teaches individual about the formal rules, procedure and expectation of the society? अब इसमें कौन है जो आपको individual teach करता है, individuals को सिखाता है क्या formal rules के बारे में, प्रोसीजर के बारे में, और जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है तुमसे उसके बारे में। तो ऑप्शन ए फैमिली, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी पीयर ग्रुप, ऑप्शन डी मास मीडिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा बी स्कूल, क्योंकि इसमें बात कर रहे हैं फॉर्मल रूल्स की, यानी लॉ की, रेगुलेशंस की, प्रोसीजर्स की, और सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है वो सब कौन सिखा रहा है, वो आपको स्कूल सिखा रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिखा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है विच एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन हेल्प्स इंडिविजुअल लर्न अबाउट द लार्जर वर्ल्ड बियॉन्ड देयर इमीडिएट कम्युनिटी। इमीडिएट कम्युनिटी से बाहर जाकर पूरे एक इंडिविजुअल को बाहर की दुनिया में, बाहर के बारे में बताने में कौन सा सोशलाइजेशन एजेंट है जो काम करता है ना। तो उसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है ए फैमिली, बी स्कूल, सी पीयर ग्रुप, या डी मास मीडिया, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर में थोड़ा डाउट है, इसका आंसर में जो मैंने भी देखा, इसके आंसर में दोनों ऑप्शन दिए हुए थे, ऑप्शन बी भी और डी भी, क्योंकि स्कूल्स जो है, स्कूल भी आपकी इमेजिनेशन के ऊपर काम करता है, आपको आपकी कम्युनिटी से बाहर छोड़कर आपसे वर्ल्ड लेवल के थिंकिंग को देकर प्रोवाइड करता है, साथ ही मास मीडिया भी इस तरीके से काम करती है। तो इसके आंसर में डिलेमा है, और बाकी जो आपको बेहतर लगे आप इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं इसका आंसर बी लगाऊंगा, और बाकी आपको कोई डाउट है तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको इसको ज़्यादा प्रेफर करोगे इसका आंसर, है ना। इसका आंसर मैंने उसमें देखा था आंसर की में, तो उसका आंसर बी और डी दोनों ही ऑप्शन में थे। ओके, अगला देखते हैं, विच एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन हेल्प्स इंडिविजुअल लर्न अबाउट देयर कल्चर, हेरिटेज, बिलीफ्स एंड वैल्यूज। बहुत इजी है, ऑप्शन ए फैमिली, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन डी पीयर ग्रुप, ऑप्शन डी रिलीजन, है ना। तो सबसे इसमें आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए फैमिली, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो कि कल्चरल हेरिटेज की बात करती है, बिलीव्स के बारे में, क्योंकि रिलीजन भी आपको फैमिली वाला ही मिला है। ठीक है, जो आप रिलीजन फॉलो कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द पीपल वही रिलीजन फॉलो कर रहे हैं जो उनके माता पिता या उसके उनके जो पेरेंट्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो वही रीजन है, तो पहले तो वही प्राइमरी एजेंट है जो आपको कल्चर के बारे में, हेरिटेज के बारे में, बिलीव्स के बारे में, वैल्यूज के बारे में सिखाता है ना। तो इसमें फैमिली इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसका आंसर होगा ए। उसके बाद अब बढ़ते हैं, व्हाट इज सोशलाइजेशन, पहला आंसर आ गया, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन को थोड़ा पूछा है, सोशलाइजेशन ए प्रोसेस बाय विच पीपल लर्न द नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स ऑफ देयर कल्चर। ऑप्शन ए क्या कहता है, ऑप्शन बी कहता है कि ए प्रोसेस बाय विच पीपल लर्न हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर्स, क्या ऑप्शन बी ये क्या है, ऑप्शन बी क्या सही है, ऑप्शन डी क्या सी क्या कहता है, ए प्रोसेस बाय विच पीपल एक्वायर फिजिकल स्किल, और डी क्या कहता है, एक्वायर लैंग्वेज स्किल। तो इसका आंसर क्या होगा, आई होप कि आपको इसका आंसर आप अपने मन में दे भी चुके होंगे, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, इसका आंसर होगा क्या होगा, इसमें क्या होगा, वैल्यूज, बिलीव्स और कल्चर को जो है हमें ये प्रोसेसेस को सीखने का, है ना, नॉर्म्स को, वैल्यूज को, बिलीव्स को और कल्चर को सीखने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन का एजेंट कौन नहीं है, ऑप्शन ए फैमिली है, डी स्कूल है, रिलीजन है, डी स्पोर्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन का एग्जाम्पल क्या है,
लर्निंग हाउ टू प्ले बास्केटबॉल, लर्निंग हाउ टू टाई योर शू, लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार, लर्निंग हाउ टू यूज द कंप्यूटर। प्राइमरी सोशलाइजेशन का एग्जाम्पल है आपका कि आप अपने शू को कैसे बांधे, है ना। बास्केटबॉल भी बाद में आएगी, कंप्यूटर सीखना भी, गाड़ी चलाना भी, लेकिन जूता बांधना जो होगा प्राइमरी सोशलाइजेशन का काम है कि आपको अपने शूज का किस तरीके से टाई करना है, वो प्राइमरी सोशलाइजेशन का एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा बी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। उस नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट इन सोशलाइजेशन। अगर आपने वीडियो को अच्छे से सुना है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे बहुत इजीली, है ना। तो ऑप्शन ए, पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट इन्वॉल्व्स पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट इन्वॉल्व्स रिवॉर्ड। ऑप्शन ए क्या कहता है? ऑप्शन बी क्या कहता है? पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट इन्वॉल्व्स रिवॉर्ड एंड नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट इन्वॉल्व्स पनिशमेंट। ऑप्शन बी ये कहता है। सी क्या कहता है? कि दोनों को पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट इन्वॉल्व्स करता है बोथ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, व्हाइल नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट इन्वॉल्व्स नाइदर, वो कुछ नहीं करता, है ना, इन्वॉल्व्स नाइदर। तो सी क्या कहता है? डी क्या कहता है? पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट इन्वॉल्व्स नाइदर रिवॉर्ड्स नॉर पनिशमेंट, व्हाइल नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट इन्वॉल्व्स बोथ। इसका आंसर बहुत इजी है, आप बहुत अब तक इसका आंसर आप दे भी चुके होंगे। तो इसका आंसर है बी, पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट क्या करता है? इन्वॉल्व्स करता है रिवॉर्ड को, और डी क्या कहता है? पनिशमेंट की बात करता है। इन्वॉल्व मतलब किसी का, कोई आपने अच्छा काम किया, फॉर एग्जाम्पल आपने अच्छे मार्क्स लाए तो आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा उसका, है ना। आपको कोई पर्टिकुलर कुछ गिफ्ट मिल सकता है, कोई पर्टिकुलर फोन मिल सकता है, लैपटॉप मिल सकता है, बाइक मिल सकती है, साइकिल मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है वो, है ना। तो वो क्या है? पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट है। अगर आपने गलत किया तो आपको पनिशमेंट भी होगी, आपने कुछ कीमती चीज तोड़ दी है या फिर आपने कुछ बड़ा नुकसान कर दिया है तो उसका आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो क्या है हमारा? पॉजिटिव और नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट है। तो इसके भी ये सोशलाइजेशन का ये पार्ट है, क्योंकि इस तरीके से हम चीज़ों को हम लोगों को सोशलाइज करते हैं, एजेंट इस तरीके से सोशलाइज करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर रोल। अब जेंडर रोल का क्या है एग्जाम्पल, कौन सा इसमें नहीं है? नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर रोल, वुमेन शुड बी नर्स, मैन शुड बी डॉक्टर्स। ये क्या जेंडर रोल को डिफाइन करता है? हाँ या ना? ऑप्शन बी, मैन शुड कुक, वुमेन शुड कुक क्लीन, मैन शुड वर्क आउटसाइड द होम। डी, वुमेन शुड बी इमोशनल एंड मैन शुड बी स्टोइक। डी आंसर, वुमेन शुड प्रे एंड मैन शुड नॉट प्रे। देखो उसका एग्जाम्पल पूछा ना कि एग्जाम्पल नहीं है किसका, जेंडर रोल का, ठीक है। जेंडर रोल के हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए जाते हैं, किस तरीके से दिए जाते हैं? देखो ये भी जेंडर रोल ही है एक तरीके से, कि मैन लड़का लड़की हमेशा नर्स होगी, लड़का हमेशा डॉक्टर होगा, तो इस तरीके के जो भी जेंडर रोल ही डिफाइन कर रहे हैं, है ना। और दूसरा क्या है? लड़की हमेशा कुक करेगी और उसके बाद जो है लड़का बाहर जाकर काम करेगा, भी जेंडर रोल का। तो ऑप्शन बी भी नहीं है, है ना। सी क्या है? ऑप्शन वुमेन शुड बी इमोशनल, मैन शुड बी स्टोइक। आज औरत को जो हमेशा वो भाविक होती है और आदमी थोड़ा कठोर होता है, वो स्ट्राइक होता है। तो ये भी क्या है? जेंडर रोल है, एक्सपेक्टेशन है जेंडर रोल की, लेकिन इसमें पूछा है नॉट एन एग्जांपल। तो एग्जांपल ये नहीं कि वुमेन को प्रे करना चाहिए और मैन को नहीं करना चाहिए, बल्कि इसमें दोनों को करना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। अब एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है? देखो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन वो होता है कि जब आपको किसी पर्टिकुलर चीज के लिए तैयार किया जाता है, आने वाली चीज़ों के लिए तैयार। अब तक जो आपने सीखा था वो ठीक है, वो आपके पास वो नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस है, वो स्किल है, सब कुछ है, लेकिन अब आपको कहीं स्विच करना है, कोई जगह एक जगह से एक दूसरी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन चेंज करनी है। तो उसके लिए जो आप चीज़ सीखते हैं, है ना, उसके लिए जो आप जो भी आप नए नए रोल्स को सीखते हैं, आप जो नए एटीट्यूड सीखते हैं, जो फिर जो भी अब नया कुछ सीखते हैं और उससे सीखने वो, क्योंकि उस पोजीशन के लिए वो ज़रूरी है सीखना, और अपने आप को तैयार करते हैं उस पुराने सोशलाइजेशन को जो भी अब तक होता आया है उसके साथ भी, लेकिन कुछ नया एड ऑन करके उस पोजीशन के लिए आप रेडी होते हैं, तो उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, है ना, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। उसके बाद इसमें पूछा है क्या है एग्जाम्पल है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का? ए लर्निंग, ए चाइल्ड लर्निंग हाउ टू रीड राइट, हाउ टू रीड एंड राइट इन स्कूल, ए टीनेजर लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार, एन एडल्ट स्टडिंग फॉर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, ए कॉलेज स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू। इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है डी, क्योंकि जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कॉलेज स्टूडेंट हैं, अब तक उनका जो सोशलाइजेशन होना था वो हुआ है ग्रेजुएशन तक,
उसके बाद अब क्या है कि अब उनको एक नई जब जॉब की दुनिया में जाना है। अब तक वो अकेडमी की दुनिया में थे, वो जॉब की दुनिया में जाना है, एक नई दुनिया में कदम रखना है, उसके हिसाब से चीज़ों को एक्वायर करना है, स्किल्स को एक्वायर करना है, अपने रोल को समझना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है ना, अपने प्रोफेशन को समझना है, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना है, एक्ट करना है, सब कुछ। तो वो सब क्या हो रहा है, उनका एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अब तक जो किया वो था, लेकिन अब उसमें एक न्यू एड ऑन हो रहे हैं, नए चैप्टर्स खुल रहे हैं लाइफ में, तो इस तरीके के एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका डी। ओके आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हिडन करिकुलम। अब पूछा है हिडन करिकुलम का क्या एग्जांपल है, लर्निंग मैथ एंड साइंस इन इंग्लिश, या लर्निंग हाउ टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन इन स्कूल, या सी लर्निंग लर्निंग हाउ टू स्पीक एंड राइट इन स्टैंडर्ड इंग्लिश इन स्कूल, लर्निंग हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इन स्कूल। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है बी, इसका आंसर सही है हिडन करिकुलम पूछा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहा जाता है कि आपको कोई काम टास्क दे दिया जाता है, तो उस टास्क के अंदर कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। देखिए हाउ टू लर्न हाउ टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन इन स्कूल, ये क्या इसका एग्जांपल है, ये हिडन करिकुलम है। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि सुबह 7 बजे आपको आना है, आपकी छुट्टी 1 बजे होगी, आपके 4 पीरियड्स होंगे, वो चारों आपको अटेंड करने होंगे, सिर्फ 15 मिनट का आपको क्या मिलेगा, लंच मिलेगा, 15 मिनट का लंच ब्रेक होगा आपका। ये सब क्या है, ये सब रूल्स हैं, है ना, ये सब रूल्स हैं। उसके साथ आपको ये तो दिख रहा है कि हाँ ये मेरी पढ़ाई हो रही है, यहाँ मैं खाना खा रहा हूँ, यहाँ मैं खेल रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे एक हिडन करिकुलम ये भी चल रहा है कि आप क्यों फॉलो करना सिखाया जाता है रूल्स और रेगुलेशन इन स्कूल। ठीक है, ये क्या है, इसका हिडन करिकुलम है, एग्जाम्पल है हिडन करिकुलम का। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशन। अब देखो क्वेश्चन पूछा है टोटल इंस्टीट्यूशन का क्या एग्जांपल है, इनमें से ए प्रिजन, ए चर्च, ए कॉलेज, ए वर्कप्लेस। टोटल इंस्टीट्यूशन उसको कहते हैं जो कि इंडिविजुअल की हर चीज पर कंट्रोल कर ले, लाइक उसके उठने पर, उसके सोने पर, उसके किस टाइम वो सोएगा, किस टाइम वो उठेगा, किस टाइम वो काम करेगा, किस टाइम वो खाएगा, वो क्या क्या करेगा, उसके सारे पूरे इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है उस सब पर कंट्रोल कर लेना, उस सब पर एक तरीके से पूरा अपना नियंत्रण कर लेना, उसको क्या कहते हैं, उस तरीके के इंस्टीट्यूशन को क्या कहते हैं, टोटल इंस्टीट्यूशन। तो इस तरीके का इंस्टीट्यूशन जो है इसका सही आंसर है, इस तरीके का आंसर होगा तो वो क्या होगा, ए, ऑप्शन ए, यानी कि प्रिजन। प्रिजन में सब तरीके का जो है पूरा कंट्रोल हो जाता है अथॉरिटीज का एक इंडिविजुअल के ऊपर, कब उसे बैठना है, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है, सब कुछ डिफाइंड हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रिजन है, वो क्या है, टोटल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, उसके बाद पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस सोशलाइजेशन। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सोशलाइजेशन को इफेक्ट नहीं कर रहा है, इन्फ्लुएंस नहीं करता है। सबसे पहला है जेनेटिक्स, ऑप्शन बी एज, ऑप्शन सी एजुकेशन, ऑप्शन डी हाइट, है ना। इसमें अब आंसर आप आई होप आपको इसका आंसर पता लग गया होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ। जेनेटिक्स का भी काफ़ी रोल होता है आपके सोशलाइजेशन में, आपका आपके आपकी पर्सनैलिटी में, आपके बिहेवियर में, और आपकी एज भी, आपका एज भी फैक्टर है सोशलाइजेशन का, आपका एजुकेशन भी फैक्टर है सोशलाइजेशन का, लेकिन सोशलाइजेशन का फैक्टर आपकी हाइट जो है सोशलाइजेशन का फैक्टर नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई है, अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर बींग हेयर, बाय बाय।